हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को फंडिंग कहां से आ रही है? इस धरने के पीछे आखिर कौन है? यह धरना अब तक खत्म क्यों नहीं किया गया? एजेंसीज पर इतना पैसा खर्च किया जाता है लेकिन उनका किरदार क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद धरने के अस्खुद नोटिस की समाप्त के दौरान जजेस फट पड़े। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले कि जब रियासत खत्म हो जाएगी तो फिर सड़कों पर लोग कत्ल होंगे। हम ये नहीं कहते कि धरने वालों पर गोलियां बरसाएं, इलाके का मुहासरा करें और उनकी रसद बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने धरने से मुतालिक आईएसआई की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट में सिर्फ चार नाम हैं, काम की कोई एक बात नहीं। धरना कायदीन के कारोबार क्या हैं, बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, कौन कितना टैक्स देता है, कायदीन और शर्का को कौन फीड कर रहा है, रिपोर्ट में एक चीज नहीं है। काम करके रिपोर्ट दोबारा जमा कराएं। अदालत का इंटेलिजेंस एजेंसीज को हुक्म, केस की अगली समाप्त 30 नवम्बर तक मुलतवी। इस पर सियासत चमकाना और इस पर कौम को तकसीम करना ये खत्म नबूवत की खिदमत नहीं है बल्कि ये खत्म नबूवत के इशू के साथ दुश्मनी है। हुकूमत को इस्लामाबाद धरने से सियासी मकासद की बू आने लगी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं धरने का मकसद बरेलवी मकतबे फिक्र से लड़ाकर हुकूमत का वोट बैंक कम करना है। सड़क पर बैठकर वजीर कानून से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। मुल्क अब लाल मस्जिद और मॉडल टाउन जैसे सानेहात का मुतहमिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मिलाप फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात के धरने का 18वां रोज। सूरतेहाल से तंग हुकूमत ने धरने वालों की सप्लाई लाइन काटने के लिए प्लान तैयार कर लिया। फैजाबाद के एतराफ की सड़कों पर इजाफी रुकावटें लगा दी गई। पुलिस के एक्शन में मजीद मुजाहिरीन गिरफ्तार, तादाद 250 से तजावज कर गई। इस्लामाबाद के धरने से कराची वालों की जिंदगी भी अजीरन। नुमाइश औरंगी पर यकजहती धरने से एमए जिना रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को आमदोरफ में शदीद दुश्वारी का सामना। पार्लियामेंट्री पार्टी को एम्पावर किया है कि उनसे आप रब्ता कर ले, मगर आई एम इन नो मूड टू। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की दोस्ती की पेशकश ठुकरा दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं साबिक वजीर आजम से मुलाकात का कोई मूड नहीं, अगर मुलाकात करनी है तो पार्लियामानी पार्टी से कर ले। नवाज शरीफ 30 साल सियासत में जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश में शरीक रहे, वो अपनी जात से निकलकर मुल्क और जमहूरियत का सोचे। पीपल्स पार्टी के सर्द रवैये पर नून लीग का गर्म जवाब। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून को किसी सहारे की जरूरत नहीं। जरदारी साहब किसी के कहने पर ऐसा रवैया ना अपनाए। ग्रैंड डायलॉग पीपल्स पार्टी नहीं तमाम जमातों के लिए है। अब भी वक्त है, यकजा हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क 2018 में इलेक्शन ही ना देख सके। मौलाना फजलुर रहमान ने सबको खबरदार कर दिया। कहते हैं आलमी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरा से दो चार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आजम के वकील ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट ने खुद माना कि दो नैब रेफरेंसेस के हकायक यकसां और 6 गवाह मुश्तरक हैं। आइन की शिक 13 के तहत किसी को एक जुर्म में एक से जायद बार सजा नहीं हो सकती। अदालत का समाप्त मुकम्मल करके फैसला बाद में सुनाने का ऐलान।
पैनामा का बंद पंडोरा एक बार फिर खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा में शामिल 436 अफराद के खिलाफ सिराजुल हक की दरख्वास्त की समाअत। करप्शन हर इदारे में है, उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी नैब की है। अदालत के रिमार्क्स, नैब और वफाक को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध के अवामी नुमाइंदों को जेल और कैदियों की याद सताने लगी। मंजूर वसान बोले, अब जेल में कैदियों को अंडे और पराठे मिलते हैं। सर्दी के मौसम में कई लोग जेल आएंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा, लगता है आप भी जेल जाना चाहते हैं। पराठे, अंडे और इवनिंग टी भी होगी, जिसको जाने का शौक है बिल्कुल जाएगा। वैसे भी सर्दी है, कुछ तो जाएंगे। वैसे आपको बहुत याद करते हैं। एमक्यूएम के रुकन कामरान अख्तर ने कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियों की खराब हालत का तस्करा किया तो पीपी रुकन ने कहा, आप जेल जाएंगे तो अच्छी गाड़ी फराहम करेंगे। जिस तरह से लूट की जाती है भेड़ बकरी और जानवरों को गाड़ियों में लूट किया जाता है, गर्मियों के दिनों में यकीनन सर कई कैदी जो है वो बेहोश भी हो जाते हैं। गर्म हो जाती है ना गर्मी में। कामरान साहब के लिए अच्छी वैन बनवा देंगे, एसी जी इंशाल्लाह। कराची का गंदा गुजर नाला एक और माँ का कमसिन जिगर गोशा निकल गया। गुज़िश्ता रोज डूबने वाले रेहान के लाश को रेस्क्यू एहलकारों ने 20 घंटे बाद ढूंढ निकाला। लखते जिगर की मौत पर वालिदैन गम से निठार। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सिंध के असातिज़ा का कराची में एहतजाज। आर्ट्स काउंसिल चौक पर धरना देने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज। ख़वातीन असातिज़ा समेत 15 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। तनख्वाह जो है वो रिलीज हो गई आप लोग की और शुक्रिया अदा करते हैं आज टीवी का। आज न्यूज की एक और काविश रंग ले आई। स्टील मिल्स के परेशान हाल मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाही जारी। मुलाजमीन मसले के हल पर आज न्यूज के शुक्रगुजार। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का सदरन कमांड का दौरा। आर्मी चीफ और वजीर आला को खुशहाल बलोचिस्तान पर ब्रीफिंग। जनरल बाजवा कहते हैं, खुशहाल बलोचिस्तान दर हकीकत खुशहाल पाकिस्तान है। प्रोग्राम के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। पाक सरजमीन के अमन के लिए एक और बहादुर सपूत कुर्बान। डेरा इस्माइल खान ने शहीद मेजर इसाक को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की सलामी। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर का जहलम फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने जवानों के अज्म और हौसले की तारीफ की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के 43% इलाकों में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों के भारत के साथ रवाबित के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों के गेट घेरा मजीद तंग कर दिया। पुलिस की 4 सदना में बड़ी कार्रवाई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 40 किलोग्राम बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, प्राइमा कार्ड समेत दीगर असलहा बरामद। लाहौर में गधे के बाद मुर्दा जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस के छापे में 50 मन गोश्त बरामद। 6 मुलजिमान गिरफ्तार।
मुलजिमान होटल्स और दुकानों पर मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करते थे। पाकिस्तान की सड़कों का मयार दुनिया के दीगर 75 ममालिक से कम निकला। द स्पेक्टेटर्स इंडेक्स ने सड़कों के मयार पर ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला, सिंगापुर का दूसरा और स्विट्जरलैंड का तीसरा नंबर। पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले सऊदी शहजादों पर तशद्दुद का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक गिरफ्तार शहजादों पर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर से तशद्दुद कराया जाता है। अमीर तरीन शहजादे अल वलीद बिन तलाल को भी उल्टा लटका कर मुजरिम के तौर पर तफ्तीश की गई। जिम्बाब्वे के साबिक नायब सदर मनांगा मुल्क के नए सदर बनने को तैयार, दो दिन बाद ओहदे का हलफ उठाएंगे। वतन वापसी पर मनांगा गोवा का वालेहाना इस्तकबाल। एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले सार्फीन हो जाएं होशियार। मोबाइल की लोकेशन सर्विस बंद होने के बावजूद आपकी लोकेशन मख्फी नहीं रहती, गूगल का एतराफ। कंपनी का कहना है कि मोबाइल में सिम कार्ड ना हो तब भी मालूमात रोकने का कोई ऑप्शन नहीं। जमीन की गर्दिश सुस्त होने से जलजले बढ़ने लगे। अमरीकी साइंसदानों ने दुनिया वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी।